तो दोस्तों आज हम लाए हैं सिंघाड़े की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। सिंघाड़ा हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इसमें फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही नहीं बहुत ही अच्छे होंगे। तो देर न करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जो हमारे दिल को अच्छा रखता है, स्वस्थ रखता है। साथ में इसमें 74% पानी होता है जिससे हमारा पेट ज़्यादा भरा भरा सा रहता है। इसलिए आप आजकल सिंघाड़े का सीजन है, सिंघाड़े खाएं जो आपके शरीर और सेहत को सही रखेंगे। तो इसके लिए मैंने देखिए 250 ग्राम सिंघाड़े लिए हुए हैं, ताज़े सिंघाड़े हैं। आजकल बहुत बढ़िया मुलायम सिंघाड़े आते हैं, तो इनको मैंने क्या किया, पहले पानी से अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इनको हम छील लेते हैं, क्योंकि ये तालाब में होते हैं और तालाब में थोड़ी गंदगी की वजह से इनको अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए इनको किस तरीके से मैंने छीला है, बस उसी तरीके से ये झटपट छिल जाते हैं, इनको छीलने में समय नहीं लगता। तो पहले आप इनके कांटे जो होते हैं वो भाग हटा दें, इसके बाद आराम से इनको छील लें। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इनको छीला हुआ है और सब इसी तरीके से हम इनको छील लेते हैं। बड़ी जल्दी से ये छिल जाते हैं, थोड़ा सा संभाल कर छीलें जिससे कि कांटा आपके हाथ में न लगे, और बस ऊपर का जो छिलका होता है उसको भी अच्छे से हटा देते हैं। तो मैंने देखिए इनको अच्छे से छील लिया, और छीलने के बाद हम मैंने इनको वॉश कर लिया, क्योंकि बाद में भी इनको वॉश करना ज़रूरी होता है जिसमें मिट्टी वगैरह जो हो वो इसमें ना आए। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो इसके लिए हम कढ़ाई रखते हैं, और कढ़ाई में हम देसी घी डालेंगे। इनको हम देसी घी से बनाएंगे, आप चाहें तो ऑयल से भी इनको बना सकते हो। तो देखिए देसी घी गर्म हो रहा है कुछ इस तरीके से, तो इसको पूरी तरीके से पिघला लेना है हमें, और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। ज़्यादा गर्म नहीं करना है इसको, क्योंकि फिर इसकी महक अजीब सी हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं कि इसमें हम जीरा डाल देते हैं। तो आधा चम्मच जितना मैंने इसमें जीरा डाला हुआ है, जीरा को थोड़ा सा चटकने देते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम या लो रखेंगे जिससे कि ये जले ना। साथ में इसमें हम हींग डालेंगे, हींग हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और अब हम क्या करते हैं कि ये सिंघाड़े डाल देते हैं। तो क्वांटिटी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरीके से ये 250 ग्राम जितने होंगे मैंने इनको डाल दिया, और हमें थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेना है कुछ इस तरीके से चलाते हुए। गैस का अपने मीडियम रखेंगे जिससे कि ये बढ़िया से तल जाएं और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगें। झटपट बनने वाली रेसिपी है, आप नाश्ते में भी इनको बना सकते हो। इसमें हम डाल देते हैं नमक, तो स्वाद के अनुसार ही आप नमक डालें, ज़्यादा नमक ना डालें। और इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच जितना इसमें धनिया पाउडर डाल देते हैं, अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे जिससे कि इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। फिर इसको मिक्स कर देते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने इसमें बहुत पिंच भर गरम मसाला भी डाला हुआ है। साथ में इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर जिससे कि इसमें खट्टापन आएगा। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन जब चाट मसाला डालें तो नमक थोड़ा सा कम डालें। इसमें थोड़े से हम चिली फ्लेक्स डाल देते हैं जिससे कि ये देखने में अच्छे लगेंगे। बच्चों के लिए यदि बना रहे हो आप तो ना डालें। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। तो यदि आप इस तरीके से रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा ढक करके इसको हम पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे जिससे कि ये थोड़े से मुलायम हो जाए और खाने में बहुत ही बढ़िया लगे। आप इसकी इसी तरीके से सूखी सब्जी भी बना सकते हैं। यदि आपको सिंघाड़े की सब्जी की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, हम ज़रूर आपको बना करके बताएंगे कि कैसे बनती है। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, साथ ही हमारे शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इसको हम 2 मिनट के लिए ढक करके पका लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि बढ़िया से क्रिस्पी हो गए हैं और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो आप इस तरीके से इनको पका सकते हो। यदि सब्जी के रूप में आप खाना चाहते हो तो इसको थोड़ा सा और पका लें। गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं, थोड़ी देर इसको ढक करके रख देते हैं, बाद में हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको। तो आप देख सकते हो कि इनका कलर कुछ इस तरीके से हो गया, और ये बढ़िया से हमारे चटपटे से खटखटे से सिंघाड़े बन करके तल करके तैयार है। एक बार आप इस तरीके से ट्राई करें, हमें पूरी उम्मीद है ये सिंघाड़े की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इनको आप सुबह नाश्ते के साथ बना सकते हो, शाम को टी टाइम के साथ भी बना सकते हो, या
साइड डिश के रूप में भी इनको बना सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे, बहुत ही बढ़िया लगेंगे, सबको बहुत पसंद आएंगे। तो दोस्तों, आपको यदि ये हमारी सिंघाड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।